हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस आज हमारा डे ट्यूसडे तो आज हम करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन तो हमारे आज के टॉपिक है कैबिनेट कमिटीज एंड साथ में पार्लियामेंट तो ये हम क्वेश्चन करेंगे लेट्स फाइव क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक्स ओके फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी बेस्ड बेसिकली वेरियस ग्रांट्स होते हैं टाइप्स ऑफ ग्रांट्स जो पार्लियामेंट देता है उस पर क्वेश्चन है प्लीज ट्राई कीजिए सेकंड क्वेश्चन फिर रेफरेंस टू ऑर्डिनरी बिल्स ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है तो प्लीज़ ट्राई कीजिए ये हमने लास्ट टाइम भी किया था कुछ फीटो पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट तो उसी को थोड़ा सा आपकी रिविजन भी हो जाएगी और थोड़ा इसकी एप्लीकेशन मैंने स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है थर्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमें पता है डेड लॉक फिनोमिना एंड जॉइंट सेटिंग इन न्यूज़ में भी बहुत रहता है उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए गए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेसिकली ओके फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है यूनियन बजट अगर पास ना करे लोकसभा तो क्या होगा ये भी हमारा क्या है बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन वेरियस इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स है तो उनको रिव्यू कौन कौन सी बॉडी करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है प्लीज वीडियो पॉज कीजिए एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन ओके सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है बेसिकली ग्रांट्स देखो यूजली हमारे पास कन्फ्यूजन होती है ग्रांट्स होते क्या बेसिकली या डवेरियस टाइप ऑफ ग्रांट्स हम रट्टा मारते हैं रट्टा के मानने समझ लेते हैं देखो पहला क्या बोले एडिशनल ग्रांट ग्रांट्स फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस नॉट कंटेम्परेटेड इन द बजट दिस इज करेक्ट देखो अगर देखो सपोज बजट पास हो गया आपने एजुकेशन सेक्टर के लिए आपने सपोज ऐसे लगा लो दो हजार बीस में कोविड था कोविड में आपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन के लिए आपने कुछ ग्रांट्स दे दिए पर जो ग्रांट्स आपने दिए थे राइट right? अब क्या हुआ कोविड हुआ अब कोविड वैसे अब एकदम से क्या हो गवर्नमेंट को फिजिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन से मूव करना पड़ा ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ तो एकदम से न्यू सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ी अब वो अब उसके लिए पैसा कहाँ से ले लोकसभा से सेंशन कराना पड़ेगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज लोकसभा से सेंशन कराना एंड ऑल दैट थोड़ा आपको पता ही है अप्रोप्रिएशन बिल वगैरह ये सब पास कराने पड़ते हैं फाइनेंस बिल तो बेसिकली इसमें क्या प्रोविजन है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है लाइक वट एग्जैक्टिव कैन डू दे कैन स्पेंड मनी ऑन न्यू सर्विस और फिर बाद में अप्रूवल करवा सकते हैं क्या कहते हैं जिनसे भी करवाना पार्लियामेंट से सॉरी राइट सो इट इज़ दिस बट देन समटाइम्स क्या होता है कि सपोज न्यू सर्विस आ गई ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना है देन आपको एक और प्रोविजन पार्लियामेंट क्या प्रोवाइड करता है कि आप ऐसा करो जैसे सपोज कोविड uh, के टाइम पर इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी तो इंडस्ट्रीज का पैसा नहीं लग रहा जो बजट ने सेंक्शन किया है तो आप क्या कर सकते है? उसका पैसा री अप्रोप्रिएट करो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ तो ये क्या हो गया आपने पैसा ट्रांसफर कर लिया दूसरे पर्पज़ के लिए तो इसको हम बोलते हैं टोकन ग्रांट्स तो बेसिकली सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग ये कह रहा है सप्लीमेंट्री ग्रांट ग्रांटेड वैन फंड एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय री अप्रोप्रिएशन नहीं दिस इज रॉन्ग सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है न्यू सर्विस ही थी आप स्पेंड करो उस पे, पर आप उसकी अप्रूवल आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पार्लियामेंट से लोगे राइट अभी नहीं आप लोगे इमीजिएटली अप्रूवल पार्लियामेंट से एंड ऑफ द ईयर लोगे तो दैट इज सप्लीमेंट्री ग्रांट तो देखो ये एडिशनल सप्लीमेंट्री टोकन आपको क्लियर होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू न्यू सर्विस ये ध्यान रखना वोट ऑफ क्रेडिट जैसे कोविड हुआ एकदम से पैसा चाहिए था तो इट्स लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन टू एग्जेक्टिव बाय लोकसभा तो आप जितना मुझे पैसा यूज करो बेसिकली दिस इज फॉर एमरजेंसी सिचुएशन के लिए तो टू मीट दी अनएक्सपेक्टेड डिमांड सो थर्ड इज करेक्ट सो वन एंड थ्री आर करेक्ट सेकंड इज रॉन्ग बिकॉज उसका आंसर क्या होना था टोकन ग्रांट नॉट सप्लीमेंट्री ग्रांट आई होप ये बेसिक डिफरेंस आपको पता चला यहीं पर ही बेसिकली हम फंस जाते हैं ओके okay. तो so, आप एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो एडिशनल ग्रांट टोकन ग्रांट देन सप्लीमेंट्री ग्रांट इनकी डेफिनेशन वोट ऑफ क्रेडिट देन आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी मैंने जो वेरियस टाइप ऑफ ग्रांट्स होते हैं राइट ये ध्यान रखना ओके ओके सेकेंड क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल्स तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं इट इज सेइंग फर्स्ट स्टेटमेंट व्हेन द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसीडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट अब देखो बिल आया प्रेसिडेंट के पास अब प्रेसिडेंट को पता है वो बिल उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो क्या करेगा वो पार्लियामेंट को फिर से बोलेगा कि ये रिकन्सिडर करो आई होप याद होगा मैंने बताया सस्पेंसिव विटो तो रिकन्सिडर कर सकता है पर इन रिटर्न पार्लियामेंट अगर वही सेम बिल पास कर दे सिंपल मेजोरिटी से सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी तो उसको हम तो फिर प्रेजिडेंट इज बाउंड टू तो गिव एसेंट उसको हाँ करनी पड़ेगी साइन करना पड़ेगा ये ध्यान रखना राइट देन सेकेंड स्टेटमेंट अगर यही सेम सीनारियो State state केस में राइट right? हाउस दोनों पास कर रहे हैं तो इस केस में वेदर प्रेसिडेंट इज बाउंड और नॉट नो प्रेजिडेंट इज नॉट बाउंड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं मैं तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग यहाँ पेजिडेंट मस्ट गिव हजर हर एसेंट सो दैट इज रॉन्ग फर्स्ट इज करेक्ट सो आंसर वुड बी एनली राइट बे जस्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये राइट ओके थर्ड क्वेश्चन डेड लॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा इज वी क्वेश्चन है तो बेसिकली जो अब डेड लॉक कुछ हो जाए अगर लोकसभा राज्यसभा कोई प्रोविजन को लेके तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 108 जीरो एट ज्वाइंट सिटिंग प्रोविजन पर ज्वाइंट सिटिंग प्रोविजन हर लॉ को लेके नहीं होता सिंपल लॉस दैट दैट मीन्स ऑर्डिनरी लॉस को लेके होता है मनी बिल पॉसिबल नहीं बिकॉज मनी बिल में क्या होता है मनी बिल लोकसभा में ले डाउन होता है राज्यसभा राज्यसभा जा, जाता है राज्यसभा को चौदह दिन के अंदर वापस रिटर्न बैक करना होता है और साथ में क्या होता है जो लोकसभा है दे कैन ओवर राइट अमेंडमेंट सजेस्टेड बाई द राज्यसभा तो मनी बिल उसमें एप्लीकेबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नो इसमें कहता है दोनों हाउस को इंडिपेंडेंटली पास करना ही होता है इसमें ज्वाइंट सेटिंग नहीं है तो आंसर वुड बी ए एनली तो ये आप रीड कर सकते हो एक्सप्लेनेशन बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ज्वाइंट सेटिंग तो जैसे कौन प्रिसाइड करता है किसके रूल्स लगते हैं ये सब रूल्स रूलते स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं आता डिप्यूटी चेयरमैन दैट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं बनताइट right. अगर एनुअल बजट पास ना हो देखो बजट कहाँ पे होता है लोकसभा में डाउन होता है मिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट डाउन करता है राइट तो बेसिकली क्या हो रहा है अगर वो पास ना करे दैट मीन्स पास नहीं हो रहा है देखो तो सरकार कौन बनाता है जो लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होती है वो सरकार बनाता है तो अगर लो, अगर लोकसभा का बिल पास नहीं हो सपोज मनी बिल पास नहीं हो रहा दैट मीन्स वो सरकार का से है ही नहीं लोकसभा में वो मेजोरिटी गेन ही नहीं कर पा रहा तो दैट मीन्स वो सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन लूज कर चुकी है राइट तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू सबमिट रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये होता है बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर फिर से वो कहते हैं एम पीस वगैरह से बात करते हैं फिर नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्रिएट करते हैं सही सो बेसिकली दैट सिंपल क्वेश्चन था नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन था यूपीएस ने इनडायरेक्टली पूछा ये क्वेश्चन राइट इजी क्वेश्चन था ये और राइट लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन में जैसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स ए वेरियस जैसे टेलीकॉम कम्युनिकेशन का कौन है ट्राई टी आर ए आई इंश्योरेंस का आई आर टी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी का वेरियस बॉडीज़ है ऐसी जैसे रियल स्टेट का रेरा हो गया आर ई आर ए तो वी आर वेरियस अथॉरिटीज़ तो उसी से रिलेटेड कि इनकी इनको रिव्यू कौन करता है इनकी परफॉर्मेंस इतना ध्यान रखना जितने सारे रेगुलेटर्स है सैचुररीज होते हैं मेनली तो ये रिपोर्ट कहाँ करते हैं पार्लियामेंट को तो बेसिकली जो पार्लियामेंट कमेटी सेटअप करेगी वही इनको रिव्यू कर सकती है तो पार्लियामेंट की कमेटीज़ कौन कौन सी है हेड कमेटी सेटअप आई थी पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज तो ये दोनों रिव्यू कर सकते हैं बाकी देखो फाइनेंस कमीशन नहीं फाइनेंस कमीशन ऑडिट करता है पर रिव्यू नहीं करता इनकी परफॉर्मेंस बिकॉज इनको रिव्यू वही कर सकती है बॉडीज जो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है देन फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्टिव रिफॉर्म्स कमीशन नहीं ये भी नहीं करती ये उनका फाइनेंशियल रिलेटेड रिफॉर्म सजेस्ट कर सकती है पर नॉट रिव्यू लाइकवाइज नीति आयोग एडवाइजरी रोल है ये उनको स्टडी कर सकती है और एडवाइस कर सकती है हमें ये स्टेप्स लेने हैं एडवाइस भी किसे करेगी एक्जिकटिव को बट नॉट पार्लियामेंट तो बेसिकली ये रिव्यू नहीं करती उनके परफॉर्मेंस रिव्यू कौन कर सकता है ओनली जो पार्लियामेंट ने बॉडी सेटअप की है बिकॉज ये ए स्टेचुटरी बॉडी से एंड दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट सिंपल सा क्वेश्चन है तो ए वन एंड टू आर करेक्ट तो इसमें ऐसे बेसिकली यूपीएससी ने फसा रखा था बेसिकली इसमें जस्ट टेस्टिंग वाला क्या था कि फाइनेंस कमीशन नीति आयोग इसका आंसर है या नहीं है पर ऑप्शन में भी देखो यूपीएससी ने इतना ट्रिक फंसा नहीं रखा फंसा सकता था पर फंसाया नहीं रही तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल एंड क्विक सेशन था ये तो बल्कि बिकॉज ये पूरा फैक्चुअल था और इसमें एक डिफिकट क्वेश्चन थे ही नहीं तो so आप देखो यूपीएससी क्वेश्चन कभी बार डिफिकल्ट पूछते कभी ईजी पूछ लेते हैं तो so ऐसे वेरिएशन रहती है पर आपकी प्रिप्रेशन हमेशा रहनी चाहिए कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टैटिक बेसिक अच्छे से बिल्ड होना चाहिए आपने यही नहीं लेके चलना कि पेपर टफ है ईजी है कैसा है कैसे अभी मीन्स का पेपर था आपको लग रहा है मॉडरेट है पर अब एग्जाम हॉल में जब जाओगे ना तब तो आपको आइडिया लग कि पेपर नहीं होता बिकॉज ऑन दी स्पॉट सोचना फैक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है मैं बाहर बैठ के बहुत आराम से सोच सकता हूँ क्योंकि तो उसमें भी प्रेशर नहीं है एग्जाम हॉल में टाइम का प्रेशर बहुत रहता है तो ऑलवेज प्रैक्टिस एंड बिल्ड योर बेसिक्स मीन इज ऑल अबाउट बेसिक्स इज ऑल अबाउट बेसिक्स राइट कीप प्रैक्टिसिंग आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लग रहे हैं राइट right? किसी को कोई डाउट होगा फील फ्री टू अप्रोच मी एट राहुल राहुल एट स्लीपिंग क्लासेस डॉट कॉम और राइट बेसिकली जैसे प्रेमिक्स के क्वेश्चन है आपने देखा बाकी हमने लाइक uh, like, फाइव अराउंड सिक्स सेवन वीक्स हो चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाँ आई गेस सेवंथ वीक चल रहा है अब तो आपने देखा प्रिमिक्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रिम्स टेस्ट सीरीज में तो टेस्ट सीरीज आप जाओ एनरोल करो पोर्टल पर देखो सिलेबस मैंशन है राइट डिस्काउंट अवेल कर सकते हो थर्टी थ्री परसेंट ऑफ तो फोर थाउजेंड की पड़ेगी आपको वैसे सिक्स थाउजेंड प्राइस है राइट दे आर तो टोटल थर्टी टेस्ट हमने तीन लेवल रखे हैं फंडामेंटल टेस्ट एडवांस लेवल एंड फुल लेंथ फंडामेंटल क्या है एक सब्जेक्ट के दो टेस्ट होंगे हाफ हाफ सिलेबस डिवाइड कर रखा है टोटल ट्वेल्व टेस्ट होंगे उसमें दो रिविजन टेस्ट रखे हैं तो जैसे हमारे चार टेस्ट हो चुके हैं फोर्थ अभी अपकमिंग है इकोनॉमी में तीन हो चुके हैं पॉलिटी जोग्राफी एंड हिस्ट्री तो आप देखोगे प्रीमिक्स से कुछ क्वेश्चंस में टेस्ट सीरीज के भी ऐड किए होते हैं लाइकवाइज वी हैव नेक्स्ट लेवल एडवांस लेवल टेस्ट नाइन टेस्ट है उसमें एक रिवीजन टेस्ट रखेंगे हम फिर नेक्स्ट नाइन टेस्ट फुल टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट एडवांस टेस्ट में क्या होगा एक सब्जेक्ट का एक फुल सिलेबस टेस्ट तो जाओ उसमें हर हर मल्टी पैटर्न कवर रहेगा कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन स्टैटिक करंट अफेयर सब कुछ कवर रहेगा डिटेल सोलूशंस वुड बी प्रोवाइडेड आई एम आई वुड बी टेकिंग अप राइट सो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को कैसे टिक में फंसाया गया क्वेश्चन को हर चीज़ आपको राइट तो प्लीज जाओ पोर्टल पे पहला टेस्ट हमने ओपन रखा है पॉलिटी का तो आपको आइडिया भी लगेगा टेस्ट कैसा है ऐसे right. हम करंट अफेयर के बेस क्वेश्चन ला रहे जैसे आपने देखा हो करंट अफेयर क्वेश्चन मैंने पूछे थे प्रीमिक्स में करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड उसमें आई आर में तो कुछ लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे कहीं उन्हें नहीं पढ़ा था करंट अफेयर तो लाइक वाइज वो स्लीपी के करंट अफेयर के नोट से ही है तो आप देखोगे करंट अफेयर आपको कॉम्पिटेंसिव भी प्रोवाइड करा जाएगा उसमें पी डी एफ भी प्रोवाइड की जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन होगी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हर तरह के आपको आ, क्या कहते हैं करंट अफेयर कवर करवाया जाएगा अच्छे से डिटेल में उसमें भी आपको डिस्काउंट हम प्रोवाइड करें थर्टी थ्री परसेंट तो नाइन थाउजेंड के सिक्स थाउजेंड की आपको पड़ेगी पोर्टल पे जाओ डेमो डेमोलेक्चर्स अवेलेबल है आप देखो एंड अकॉर्डिंगली वॉच डेमो लेक्चर्स एंड जज योर सेल्फ ओके Thank you so much, friends. Have a nice day ahead. I hope this session was helpful to all of you.